आइनॉक्स टाइगर 3 12 नवंबर दिवाली 2023। इंटरवल हो चुका है और मैं अभी जा रहा हूँ वॉशरूम। बाकी अभी तक तो मूवी ठीक लगी, बाकी फाइनल रिव्यू देता हूँ पूरी मूवी होने के बाद। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? और आज मैं आ चुका हूँ टाइगर 3 जो मूवी आई है सलमान खान कटरीना कैफ की, वो देखने। और आपको बता दूँ कि मॉर्निंग का शो था, फर्स्ट डे फर्स्ट शो देख रहा हूँ मैं अभी जा कर के, और आपको बताऊँगा कि कैसी लगी इस ब्लॉग में। और मैं अभी पार्किंग में बाइक लगा दी है, और अभी मोहित भी आएगा, सूट भी हमने रखा है MATV इंडिया के लिए, तो वो चैनल भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जा कर के देख सकते हैं। और मैं चलता हूँ फिलहाल टिकट लेने, क्योंकि फर्स्ट डे फर्स्ट शो है तो थोड़ा कम लोग आएंगे। और अभी मोहित भी आएगा, तो अभी सूट भी हमने रखा है मॉर्निंग का, आज मैं अकेले हूँ। पहले मैं शो देखने जा रहा हूँ, क्योंकि मोहित थोड़ा सा लेट आएगा, क्योंकि उसको पड़ जाता है काम दोपहर में, तो उसकी वजह से उसकी नींद पूरी नहीं हो पाती है। तो मैं एक बार बाइक का लॉक चेक कर लेता हूँ। बाइक का लॉक चेक कर लिया है, लेकिन अभी तक पार्किंग वाले ही नहीं आए हैं। तो वो यहाँ पे ऐसा होता है कि जब एक बार और मैं और मोहित आए थे, तो यहाँ पे क्या हुआ था, बाइक आप लगा देते हैं, वो अपनी स्कूटी लगा देता है, तो यहाँ पे जब पार्किंग वाले आते हैं तो अपनी पर्ची खुद काट लेते हैं। तो अभी पूरी मार्केट जो है ये खाली है, जनकपुरी दिल्ली में आपने सुना होगा, तो ज़्यादातर यही लोकेशन मैं और मोहित रखते हैं। तो आज ऐसा डिसाइड हुआ है कि मैं पहले देखूंगा जा करके मूवी, क्योंकि मुझे सारा टाइम्स रिव्यू वाला जो चैनल है उस पर भी रिव्यू डालना है। और यहाँ पे देखिए, शाम को यहाँ पे अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ है, आप फूड कॉर्नर है, पार्क टाइप का है, तो यहाँ पे आप आ करके बैठ करके खा पी सकते हैं। मार्केट आपने देखा होगा, इससे पहले ब्लॉग में हमने शूट किया था MATV इंडिया के लिए, सबसे पहला शूट यहीं पर हुआ था। और ये लोकेशन जो है वो हमारे लिए धीरे धीरे फेवरेट सी होती जा रही है। बाकी ठंड लग रही थी बहुत ज़्यादा, मोहित ने कहा नहीं आ पाएगा तू मॉर्निंग में, बट मैं आ गया हूँ। तो चलिए टिकट लेता हूँ सबसे पहले, और उसके बाद मूवी देखते हैं। पूरी मार्केट मॉर्निंग में शांत है एकदम, और सुबह उठने का एक बार फिर से मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है। मोहित होता तो और मज़ा आता अभी, हालाँकि वो मिल जाएगा। तो मैं कह रहा था ठंड थी, तो पूरा एकदम व्यवस्था करके अपनी कि ठंड ना लगे, इस वजह से ऐसे आया था मैं। और वीडियो के लिए तो मैं कहीं भी जा सकता हूँ, किसी भी टाइम जा सकता हूँ, नींद सुख चैन सब छोड़ सकता हूँ। तो हॉल पे आ चुका हूँ, लेकिन अभी हॉल पूरा एकदम खाली है, ऑनलाइन बुकिंग है बहुत सारी, और चलते हैं मॉर्निंग का शो बुक करते हैं। दोस्तों इतना मॉर्निंग में आ गया हूँ, इतना क्या मतलब, अभी 7:30 हो रहे हैं, 8:10 का शो है, अभी इनका सिस्टम ही नहीं ऑन हुआ है। तो सिस्टम लॉग इन कर रहे हैं, कह रहे हैं 5 मिनट वेट कर लो, तो मैं वेट कर लेता हूँ। बाकी यहाँ पे आपको दिखाता हूँ टाइगर 3, इतना बड़ा पोस्टर यहाँ पे लगा है टाइगर 3 का, शायद अपोजिट आ रहा है कैमरे में, बैक कैमरे से दिखाता हूँ। आइनॉक्स टाइगर 3 12 नवंबर दिवाली 2023। और एक चीज़ तो कहना भूल ही गया मैं आप लोगों को, आज दिवाली भी है, तो आप लोगों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएँ, हैप्पी दिवाली, और आपका दिन आज का अच्छा रहे, सबके घर पर, आपके घर पर, मेरे घर पर लक्ष्मी आए। और शाम को पूजा पाठ भी आप लोग करिए अच्छे से, बढ़िया से, फैमिली के साथ रहिए, समय बिताइए उनके साथ, अगर आप छुट्टी पर हैं, घर पर हैं तो। दोस्तों टिकट हो गई है बुक, यहाँ पर एक हो गई है दिक्कत, और वो ये है कि इनका ये कहना है कि अगर आप ऑफलाइन बुक कराते हैं टिकट, तो यहाँ पर आपको पॉपकॉर्न और कोक भी लेना होगा, जिसका अमाउंट लगभग 150 रुपये लग रहा है, 260 की टिकट है, और 410 रुपये आपको देना होगा। इनका ऐसा कहना है कि अगर आप टिकट बुक करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे कोई ऑफ़र है, या पता नहीं क्या इन्होंने लगा रखा है। जब मैंने बोला मुझे नहीं चाहिए कोक या कोल्ड ड्रिंक, तब भी ये बोल रहे हैं कि अभी ये चल रहा है और ये आपको लेना ही पड़ेगा। फिर ऑनलाइन मुझे बुक करना पड़ा, और मैंने ऑनलाइन बुक कर ली है, और मैं वहाँ एंट्री शुरू हो गई है, मैं जा रहा हूँ वहाँ पर, और 260 की टिकट थी, लेकिन अभी यहाँ पर मुझे 410 देना होगा। तो ऐसा आप देख लेना, जब आप टिकट लेते हैं या मूवी देखने आते हैं, तो वहाँ पर आपको कितना चार्ज लग रहा है, ऑनलाइन आप बुक करते हैं तो कुछ सर्विस चार्ज आपको लगता है, लेकिन शायद वो सस्ता पड़ता है, और मुझे वो सस्ता ही पड़ा, 300 समथिंग की टिकट हो गई। चलते हैं अंदर। फर्स्ट फ्लोर पर जो हॉल है वो है, अभी फ़िलहाल ये भी मूवी आई है, ये भी आप देख सकते हैं जा करके, नाम है द मार्वल्स, और डंकी आने वाली है, इसका भी, इसको भी आप देख सकते हैं। और अभी फ़िलहाल हम यहाँ पर देखेंगे ये वाली मूवी, जो कि है टाइगर 3। स्क्रीन 1 यहाँ पर जो शो है वो है, तो चलते हैं अंदर,
बाकी आप लोग तो गए ही होंगे, देखा ही होगा आपने। ये एग्जिट है क्या या एंट्री है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एंट्री ही होगी, एंट्री ही है, अभी चालू हुआ नहीं है, चालू होगा। तो अभी मूवी चालू नहीं हुई है, अभी हैं करीब 15-20 मिनट, तो मैं बाहर ही रहता हूँ और कुछ देखता हूँ, वीडियो बनाने के लिए है। तो बाकी लोग आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, देख रहे हैं, खुल गया है गेट। इंटरवल हो चुका है और मैं अभी जा रहा हूँ वॉशरूम। बाकी अभी तक तो मूवी ठीक लगी, बाकी फाइनल रिव्यू देता हूँ पूरी मूवी होने के बाद। दोस्तों मूवी हो गई है ख़त्म और मूवी ठीक थी, मतलब एवरेज कहूँगा मैं थोड़ा सा इसको अभी फ़िलहाल के लिए, बाकी डिटेल में बात करूँगा। सादा टाइम्स रिव्यू वाले चैनल पर आप जा कर के पूरा फुल रिव्यू देखना। बाकी मूवी में अगर मैं बात करूं तो अगर आप देखने आ रहे हैं तो आपको ज़रूर एक्शन से भरी हुई मूवी ये देखने को मिल जाएगी। और बाकी एक्शन जो हुए, सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा, जो छत पे तो आपने भागते हुए हीरो और गुंडे को तो देखा ही होगा, यानी कि विलन को, लेकिन भाई साहब इसमें बाइक भगा दी छत पर, यानी कि जो टेररिस्ट होते हैं या फिर छत छत पर भागते हुए आपने देखा होगा, चौल वॉल के ऊपर आपने देखा होगा और छत से छत पर कूदते हुए देखा होगा, लेकिन उसमें एक सिंगल पर्सन कूदता था, बंदा कूदता था, लेकिन इसमें तो बाइक ही भगा दी। वो मेरे को पहली बार मैंने किसी मूवी में देखा। बाकी मिलते हैं मोहित से, मोहित आने वाला है और डिटेल में बात करूंगा। बाकी सादा टाइम्स रिव्यू वाले चैनल पे आप जाइए, देखिए वहाँ पे रिव्यू, फुल रिव्यू वहाँ पर दूँगा। क्या किया किया तुमने? तुम कर रहे थे वीडियो? हाँ। हाय कर दो ब्लॉग में। तो केला लेके आए हो? हाँ। का है? केला खाने का मज़ा आया लगी है। कैसी हालत है? देख लिए भैया मूवी? बाकी अब सोच स्टार्ट करते हैं। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि हम सोच के लिए आने वाले हैं, पूरा खाली पड़ा था पता है, जब मैं आया सुबह 7:30 बजे। सुबह 7:30 बजे क्या, ठीक अच्छी बात है। चलो सुस्ती सुस्ती से आइए, क्या बात है। कुछ हो गया है ख़त्म, मतलब एम ए टी वी का, और भाई साहब थोड़ा सीरियस थे, अभी ठीक लग रहा है भाई साहब? शूट हो गया ना तो ओपन हो गए, मतलब जो काम था, काम नहीं हो रहा था, गुस्सा आ रहा था, काम हो गया है तो माइंड शांत। सुबह सुबह आने की वजह से मूड ख़राब था ना, थोड़ा उठने की वजह से उतना ही भी था कि शूट का मन नहीं हो रहा था, शूट हो गया तो अच्छा मूड हो गया है। तो अच्छा आप भी तो हुआ यार आज। दोस्तों सारी बात खत्म करिए, पहले एम ए टी वी हमने नया चैनल ज्वाइन कराया, एम ए टी वी इंडिया, वहाँ जाकर वीडियोज़ देखिए, बहुत सारी वीडियोज़ मिलेगी। अपना प्यार जैसे इस चैनल को दे रहे हैं वैसे प्यार उस चैनल को भी ज़रूर दीजिएगा। बाकी दोस्तों भाई साहब हमारे साथ हैं, कई बार हम बोल चुके ऑलरेडी, कोई बात नहीं, इतना प्रमोशन, तुम्हारे बोलने फर्क नहीं पड़ता है, मेरे बोलने बहुत फर्क पड़ता है। तुम फिर बैठ छेड़ गए, लास्ट वाला ब्लॉग भूल गए, गलती हो गई थी। हाँ तमीज में रहा करिए आप, ब्लॉग में अगर आना है तो आगे नहीं, कुछ नहीं, नहीं, नहीं बंद करो, हमें कोई सुनो तो हमें कोई इंटरेस्ट नहीं, ठीक है सुनो तो बार बार आके बोल तो ये काटेगा तो ब्लॉग में नहीं आएंगे, हमें रखना पड़ता है फिर वो, तुमने ये लड़ाई काटी तो फिर नहीं आएंगे ब्लॉग में, तो तकिया कलाम हो जाएगा तुम्हारा कि ये काटे तो नहीं आएंगे ब्लॉग में। हमसे किसी ने कहा ही नहीं। क्या नहीं कहा, ऐसे बस। चलिए दोस्तों करने लगते हैं, टाइम हो रहा है, मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। अच्छा था आज का दिन, अच्छा था, थोड़ा ख़राब हुआ स्टार्टिंग में, लेकिन आज का दिन वाकई अच्छा था। और हाँ अरे एक बात तो बताओ, ये लीड में क्यों रखे तुम आज हमें एकदम से बिना बताए बिना नोटिस के? लीड में इसलिए था कि तुम भी खुलो यार थोड़ा बहुत, हमें लीड में रखोगे। अरे यार मान लो से इंस्टेंट प्लान चेंज कर दिए तुम, कल को मान लो एकदम से कोई दिक्कत परेशानी हो तो तुम भी कर सकते हो लीड। अरे तो कैसे करेंगे यार, ऐसे थोड़ी होता है, कल को हमें बुखार हो कुछ हो तो हम शूट करें, तुम बोलो। चलो ठीक है, बट ऐसा नहीं करिएगा तो अच्छा रहेगा, मतलब कोई चाहता है कि हमें लीड मिले, हमें कई सेल्फिश लोग होते हैं लीड नहीं देते, हम लीड दे रहे हैं कि भैया तुम लीड करो वीडियो में, उसके बाद प्रॉब्लम है देख लो, नेकी कर और दरिया में डाल, नेकी वाली बात नहीं है तुम समझो। चलो बहस मत करो फिर, अगले ब्लॉग में नहीं आएंगे, बैकग्राउंड काम में हमें अच्छा लगता है ना, ऑफ कैमरा काम अच्छा लगता है हमें, लीड में रहिए जब तक रहना है तुमको, ऐसे ही करता है ये, जब भी ब्लॉग में आता है ऐसी सुस्ती फैलाता है, ऐसी सुस्ती फैलाता है, हम नहीं आएंगे नहा के, ये नहीं आता सुस्ती में फैलाता हूँ। अब कुछ बात निकले और मुझे रखनी पड़े, उससे पहले इस ब्लॉग में बस इतना ही। और मूवी जो थी वो अच्छी थी, वन टाइम वॉच आप कर सकते हैं, जो टाइगर 3 था, और उसका रिव्यू देखिए सादा टाइम्स रिव्यू वाले चैनल पे, और एक वीडियो पब्लिक रिएक्शन आ चुका है एम ए टी वी इंडिया पे, वो जा कर के आप ज़रूर देखिए। क्यों भैया फिर से एक बार प्रमोशन हो गया, एम ए टी वी इंडिया। Bye.